सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज मैं आप लोगों को कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूँ अपनी बाइक का, जो कि है पल्सर NS125। ठीक है, तो इस बाइक को लिए हुए मतलब मेरे को 1 महीना 10-15 दिन हो चुके हैं एंड मैं इसको चला चुका हूँ लगभग। दिखाई दूँ मैं आप लोगों को एक बारी, 1000 से तो ऊपर हो गई है मेरे को पता है, 1380 किलोमीटर, मतलब 1380 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ भाई, क्या क्या अच्छाई है इस बाइक में, क्या क्या बुराइयाँ हैं, पावर कैसी है, माइलेज कैसी है, हैंडलिंग कैसी है, जो भी सब है सब बताने वाला हूँ आज आप लोगों को। ठीक है, तो पहले लुक्स देख लो। मैंने इसके यहाँ के जो स्टिकर्स वगैरह है वो सारे रिमूव कर दिए हैं भाई, मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे। देखो उस साइड अभी भी सारे लग रहे हैं, देख लो इस साइड सारे स्टिकर्स लगे हुए हैं, उस साइड के मैंने रिमूव कर दिए। तो ये लेटेस्ट बाइक है यार, मतलब 2023 वाली BS6 पल्सर NS125। तो चलो रिव्यू को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं ये बाइक मेरे को कितने की पड़ी थी। तो इसका ऑन रोड प्राइस था 1,24,000 समथिंग का, मतलब 1,25,000 मान लो January 2023 में इसका प्राइस था। ठीक है, मैंने तो खैर फाइनेंस कराई है। उसके अलावा मैं बताऊँ आप लोगों को कि मैंने NS125 ही क्यों ली। अब भाई इसके साथ की आपको जो इससे कॉम्पिटिशन है मेन पता है, रेडर 125 TVS की, और भी काफ़ी सारी बाइकें आती हैं इनकी खुद की। पल्सर 125 आती है जो स्प्लिट सीट सिंगल सीट में आती है, वो वाली भी आती है, और भी मतलब इस बजट में काफ़ी बाइकें भी और भी बाइकें आ जाती है ना, 150cc सेगमेंट की बाइक आ जाती। बट NS125 ही क्यों ली, तो देखो मेरे को एक ऐसी बाइक चाहिए थी भाई जिसका एवरेज अच्छा हो। ठीक है, मेरे को जेब पे भारी ना पड़े, मतलब मेंटेनेंस भी कम हो बाइक का, उसके अलावा कभी कभार भगा भी लूँ मैं उसको, अगर सिटी वेटी में थोड़ा बहुत भगाने का मन करा तो 100-110 चली जाए, उससे ज़्यादा सिटी में भगा भी नहीं सकते आप। किसी गैर सिटी में तो ये भी ज़्यादा है, मतलब कई बार जरूरत पड़ी तो इतनी स्पीड ठीक रहती है। ठीक है, तो ये सब मेरी प्रायरिटीज थी। तो भाई देखो, मैंने सबसे पहले रेडर ट्राई करी थी, रेडर मुझे पता है बहुत अच्छी बाइक है, बट यार उसकी दिक्कत पता है क्या थी, वो बाइक बहुत छोटी छोटी सी लगती है। अब मैं आप लोगों को बता दूं भाई, मेरी हाइट है 5'9" एंड मेरा वेट है 85 kg। ठीक है, तो मैं थोड़ा हेल्दी टाइप का बंदा हूँ, तो भाई मेरे पे वो बाइक बिल्कुल सूट नहीं कर रही थी यार। एक तो मुझे उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा। ठीक है, जो फ्रंट हेडलाइट है ना उसकी, वो मक्खी वाला लुक दे रखा है यार, साफ बताऊँ तो। देखो काफ़ी लोगों के कमेंट आएंगे भाई इतनी अच्छी है ना, से बहुत अच्छी बाइक है वो। भाई लुक सबके अपने अपने, मैंने बताया सब्जेक्टिव होते हैं, मेरे को उसका लुक पसंद नहीं आया। साइड से बहुत अच्छी बॉडी है उसकी, लेकिन भाई और पीछे टेल लाइट देखोगे ना उसकी रेडर की, तो वो बिल्कुल छोटी छोटी सी टेल लाइट दे रखी है। तो यार मतलब वही है, मेरे को लुक पसंद नहीं आया। जब मैंने उस बाइक की टेस्ट राइड ली थी तो टेस्ट राइड मुझे कोई दिक्कत नहीं आई थी रेडर में, बस वही लग रहा था, मेरे दोस्तों ने बोला भाई ऐसा लग रहा है छोटी सी बाइक में बहुत बड़ा बंदा बैठा हुआ है, तो उस मारे मेरे को वो पसंद नहीं आई। इनकी खुद की पल्सर 125 है, उससे मेरे को मज़ा नहीं आया, तो फिर मैंने कहा भाई पावर तो फिर 125 में इसमें ही मिलेगी खास तौर से। और मैं बता दूँ KTM ड्यूक 125 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कहीं आप लोग बोलो पावर तो बट ड्यूक 125 में वो क्यों नहीं ली, वो भाई बाइक इस कैटेगरी में रख लेना है ही नहीं। उतना उसका प्राइस देखो यार, 1.90-2 लाख रुपए अराउंड वो 125cc की बाइक पड़ती है, कौन लेगा उससे अच्छा बंदा है, N250 नहीं ले लेगा या NS200 RS200, कितनी सारी बाइकें हैं भाई। तो खैर छोड़ो, तो इसलिए मैंने ये NS125 ली थी, क्योंकि मेरे को इसमें माइलेज भी अच्छी खासी मिल रही थी, कंपनी क्लेम करती है अराउंड 50 के अराउंड ये निकाली देती है, लुक्स भी काफ़ी अच्छे हैं बाइक के। ठीक है, एंड भगाने में कई बार भाग भी लेती है, अभी तक टॉप स्पीड जो मैं इसके लिए जा चुका हूँ 112 लेके गया था मैं एक बारी, उससे ज़्यादा मैं लेके नहीं गया, चली जाती हालांकि, बट रोड ख़त्म हो गया था सिटी में ही था मैं, तो इतनी टॉप स्पीड में लेके गया था, भगाने में बाइक को अच्छा कॉन्फिडेंस आ रहा था। खैर वो जो बातें अब हम आगे करने वाले हैं, तो ये था मेन रीज़न मेरा NS125 को परचेस करने का। सो सेकेंडली अब बात करते हैं बाइक के इंजन की, भाई बाइक की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो इसमें 125cc का 4-valve इंजन मिलता है आप लोगों को, इसमें किक स्टार्ट भी है एंड इसमें फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम नहीं आता भाई, इसमें ई कार्बोरेटर आता है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर, तो यहाँ पे आप लोगों को फ्यूल नॉब मिल जाता है ऑन एंड रिजर्व में करने का। इसके फायदे में नुकसान भी है भाई, इसका नुकसान ये है कि आपको इतना क्रिस्प थ्रॉटल रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, बट फायदा ये यार अगर आपका बजट कम है, अगर आप 50 या 30 रुपये का तेल भी डलवाओ तो फ्यूल इंजेक्शन ख़राब नहीं होता, क्योंकि इसमें है ही नहीं कार्बोरेटर वाला सिस्टम है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, तो ये इसका फ़ायदा हो गया, ये इसका नुकसान हो गया। अब मैं बताऊँ आप लोगों को भाई, बाइक की परफॉर्मेंस अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं विद पिलियन भी चलता हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती सिटी में चलाने में, 50-60 की स्पीड पे नॉर्मली चलता हूँ यार मैं सिटी में। ठीक है, स्पीड लिमिट में, बट एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊँ, अगर आपकी बाइक की स्पीड मतलब आप 5th गियर में हो एंड आप 4000 RPM से कम हो ना, तो भाई बाइक बिल्कुल ऐसा लगता है मर गई, बिल्कुल पिकअप नहीं पकड़ती बाइक, फुल थ्रॉटल दे दोगे तब भी बिल्कुल स्लो स्लो जाएगी, आपको ऐसा लगेगा कि भाई या तो बाइक पर 4-5 बंदे बैठे हुए हैं, बिल्कुल ही पिकअप नहीं पकड़ रही है, बाइक की क्लच प्लेट वगैरह ख़राब हो रखी है। तो ऐसा लगता है कि ये बात मुझे थोड़ी इसकी बेकार लगी बाइक की, कि मतलब लो RPM पे पिकअप बहुत कम है, 4000 RPM जाने के बाद ये बाइक पेस पकड़ना स्टार्ट करती है,
एंड 4,000 से 6,000 RPM के बीच में ही नॉर्मली मैं चलाता हूँ उसको सिटी में, ठीक है। तो परफॉर्मेंस तो इंजन की अच्छी है, अभी तक मुझे एवरेज भी ठीक ठाक दे रहा है। एवरेज वैसे मैंने अभी इसकी टेस्ट नहीं करी है फिलहाल, बट जो नॉर्मल मेरे को लग रहा है 45 के अराउंड तो दे ही रही है अभी तक, ठीक है। 1300 किलोमीटर मैंने चलाई है, ज़्यादा चली भी नहीं है भाई। तो सपना एक्सपीरियंस जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक उसके अकॉर्डिंग अराउंड 45 km/h की एवरेज मेरे को ये बाइक दे रही है अभी। तो इंजन की बात हो गई भाई, इंजन भी ठीक है, अच्छा है। साउंड मतलब वाइब्रेशन तो बाइक में बहुत कम है, ऐसा नहीं कि वाइब्रेशंस नहीं है, वाइब्रेशंस हैं। उसकी बात मैं आप लोगों को आगे जब हम नेगेटिव की बात करेंगे तब बताऊंगा कि क्या क्या नेगेटिव्स है बाइक में, ठीक है। तो इंजन की बात हो गई, हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। हैंडलिंग में यार देखो, बाइक में ना एक दिक्कत लगती है मेरे को, एक तो सस्पेंशन बहुत पतले दे रखे हैं इन्होंने, ठीक है। चलो लुक्स को ख़राब करता है वो तो बात अलग होगी, लेकिन भाई इसकी वजह से जो अगले सस्पेंशन है ना इसके बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। आप सिटी में राइड करोगे ना 50-60-70 की स्पीड तक जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को, लेकिन जैसे आप हाईवे पे जाते हो ना बाइक को लेके, तो भाई ये बाइक बहुत ज़्यादा हिलने लग जाती है, झूलने लग जाती है। बहुत सारी गहू माता आ गई, इनको जान दो, मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। एंड सेकेंडली अब मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, तो हैंडलिंग जो इसकी इफेक्ट करती है ना वो इसके टायर्स भी करते हैं यार। पिछला टायर देखो एक बार, आप यहाँ से देखो भाई, इतना पतला सा टायर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब पल्सर की बॉडी पर स्प्लेंडर का टायर लगा रखा है। हालांकि माना यार 125 cc, इनको एवरेज भी निकालनी है बजाज वालों को, इसलिए इतना पतला टायर दिया है, बट एटलीस्ट ये 100 सेक्शन का टायर दे रखा है इन्होंने। देखो अगर इसी को ये लोग 120 कर देते ना तो भाई बाइक का लुक काफ़ी अच्छा हो जाता, तब क्या बोल सकते हैं। इसकी वजह से आप लोगों को ना थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज होता है आपको। एक तो इसके फ्रंट सस्पेंशन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पिछला वाला तो ठीक है, हालांकि उसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो उसको स्टिफ भी कर सकते हो एंड उसको स्मूथ भी कर सकते हो, सॉफ्टर भी कर सकते हो, बट पिछला ठीक है, फ्रंट वाला सॉफ्ट है एंड पिछला जो टायर है वो बहुत ज़्यादा पतला है। इसकी वजह से कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आप लूज़ करोगे जब आप हायर स्पीड पे होगे। नॉर्मल स्पीड में कॉर्नरिंग वगैरह करोगे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप लोगों को मिलने वाली है कॉर्नरिंग में। बिल्कुल वैसे एक्सपेक्ट मत करना कि R15 वाली फील आ जाएगी आप लोगों को, NS 200 वाली आ जाएगी, वैसी तो नहीं आएगी, बट हाँ काफ़ी अच्छा स्टेबल रहती है बाइक कॉर्नरिंग करते टाइम भी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई भाई अपनी हैंडलिंग की। अब एक बार मैं आप लोगों को इसकी आवाज़ भी सुनाता हूँ बाइक की, 1300 किलोमीटर चली है। अच्छा, आवाज़ सुनाने से पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को, इसकी जो पहली सर्विस भी मैं करा चुका हूँ, ठीक है, बजाज ऑथराइज सर्विस सेंटर से, जो मेरे को पहली सर्विस की सर्विसिंग कॉस्ट आई थी वो आई थी भाई 717 की मुझे इसकी कॉस्टिंग आई थी पहली सर्विस की। इंजन ऑयल चेंज हुआ था, ऑयल फिल्टर चेंज हुआ था एंड इसका एयर फिल्टर क्लीन हुआ था, बस यही तीन चीज़ हुई थी। तो उसको मैंने एक शॉर्ट भी वीडियो अपलोड करी थी मेरे चैनल पे, वो भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस ठीक था यार, जैसा होता है बजाज का, मेरे पे पहले भी बहुत सारी बाइक मैं ऑन कर चुका हूँ बजाज की, तो जैसा नॉर्मल एक्सपीरियंस होता है वैसे ही था, कोई ज़्यादा मतलब बेकार नहीं था, ज़्यादा खास भी नहीं था, ठीक है। तो ये हो गई इसकी सर्विस की कॉस्ट, पहली सर्विस की कॉस्ट आई थी। अब मैं एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, इसमें ई कार्बोरेटर सिस्टम आता है, फ्यूल इंजेक्शन नहीं आता। तो जब हम इसकी चाबी ऑन करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, जैसे फ्यूल इंजेक्टेड बाइक होती है उसमें एक मोटर की आवाज़ आती है जूं करके, बहुत हल्की आवाज़ आती है, तो इसमें ई कार्बोरेटर की आवाज़ आती है कट 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 करके। तो वो मैं आप लोगों को एक बार सुनाता हूँ, जैसे मैं चाबी ऑन करूँगा ना, किल स्विच ऑन करूँगा तो आप लोगों को आएगी, ठीक है। अभी यहाँ से सुनना, मैं किल स्विच ऑन करता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये जो कट 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 की आवाज़ आई ना, ये चलाते टाइम भी आती है, हर टाइम आती है, मतलब इसमें ई कार्बोरेटर सिस्टम है ना उसकी आवाज़ आई है। तो चलो मैं एक बार आप लोगों को बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी सुनाता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ एग्जॉस्ट नोट है इसका, आफ्टर फर्स्ट सर्विस आप लोग कह सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बाइक के पॉजिटिव पॉइंट्स के, नेगेटिव पॉइंट्स की, कि भाई ये बाइक अगर आप लोग परचेस करने की सोच रहे हो तो क्या ये आपके लिए अच्छी रहेगी या बेकार रहेगी, क्या क्या कमियां हैं बाइक के अंदर, क्या क्या अच्छाइयां हैं, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको परचेस करना चाह रहे हो तो आप लोगों को हेल्प हो जाएगी डिसीजन लेने में कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या फिर रेडर 125 या किसी और बाइक के पास आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पॉजिटिव पॉइंट्स की, ठीक है, जितने पॉजिटिव हैं मैं सारे बताने वाला हूँ आप लोगों को। देखो सबसे पहले पॉजिटिव तो इसका है, इसके लुक्स, अगर आपको NS पसंद है 200 अगर आप उसके फ़ैन हो तो भाई सेम लुक है ऑलमोस्ट। अगर आप थोड़ा पैसा बचाना चाहते हो इसमें आपको एवरेज भी अच्छी मिलेगी, हाँ हालांकि वैसी परफॉर्मेंस तो नहीं मिलने वाली, बट लुक सेम है। अगर आपको NS के लुक पसंद है तो आप लुक्स के मारे NS ले सकते हो 125 भी, ठीक है। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इसका इंजन काफ़ी अच्छा मिलता है। इसके इंजन की एक बात मेरे को बढ़िया लगती है, जैसे अगर आप कोई और 125 cc की बाइक चलाओगे ना तो जब हायर RPM पर जाते हैं ना, जैसे इनकी खुद की पल्सर 125 है
तो उसके सारे पावर जो है वो नीचे के आरपीएम पे रहती है, मतलब आप जैसी हायर आरपीएम पे जाओगे तो बाइक ज़्यादा शोर मचाती है लेकिन इतना भागती नहीं है। लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं है, इसकी 10,000 आरपीएम पे इसकी रेडलाइनिंग होती है एंड ये मान लो 6,000 के बाद भी पूरे 10,000 आरपीएम तक ये बाइक बढ़िया पुल करती है, क्योंकि 4-valve इंजन है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी अच्छा पुल इस बाइक को मिल जाता है एंड रेडलाइन तक भी बाइक बढ़िया पुल करती है। ठीक है, तो इसका सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट हो गया। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट भाई इसकी हैंडलिंग, ठीक है, हैंडलिंग काफ़ी अच्छी है। मेजरली हैंडलिंग पता है क्यों अच्छी है, इसकी वजह से ये जो है ना, ये फ्रेम की चैसी जो है इनकी भाई पेरीमीटर फ्रेम है, सेम फ्रेम आपको डोमिनार 250, डोमिनार 400, यहाँ तक कि R15, वर्जन 3, वर्जन 4 सब में सेम फ्रेम मिलता है। तो ये फ्रेम इतना कैपेबल है ना भाई, तो उसकी वजह से आपको हैंडलिंग बहुत बढ़िया मिलती है इस बाइक में। बस थोड़े सस्पेंशन अच्छे हो जाते ना तो और मज़ा आ जाता है। हालांकि टायर तो बाद में चेंज करा लेंगे, बट थोड़ा सस्पेंशन की आपको आदत डालनी पड़ेगी, उसके बाद भाई बहुत बढ़िया हैंडलिंग है इस बाइक की, तो हैंडलिंग काफ़ी अच्छी मिल जाती है। ट्रैफिक में चलाओगे तो मज़ा ही आ जाएगा आप लोगों को इस बाइक को चलाने में। ठीक है, जितना मर्जी चलाओ बिल्कुल आपको थकावट नहीं होगी। फुटबैक भी ज़्यादा रियर सेट नहीं है, बिल्कुल हल्के से रियर सेट है। अब ये स्पोर्ट्स बाइक इसको कहते हैं तो भाई हल्के से रियर सेट तो देने पड़ेंगे, वरना फिर बिल्कुल ही ग्लैमर या पैशन की तरह कम्यूटर इस बाइक बन जाएगी ये। ठीक है, तो हैंडलिंग बहुत बढ़िया हो गई इस बाइक की, ये इसका अगला पॉजिटिव पॉइंट हो गया। एंड उसके बाद अगर हम बात करें तो एवरेज भी अच्छी खासी दे देती है, अराउंड 45 तो मेरे को अभी मिल रही है। एंड अगर मैं सिंगल चलाऊँ इसको अभी थोड़ी और जब 4-5,000 किलोमीटर चल जाएगी, सेकंड सर्विस हो जाएगी, तो उसके बाद आप लोग आराम से चाहो तो 50 प्लस भी निकाल सकते हो। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है 50 प्लस माइलेज निकालना इस बाइक के लिए। और अगर आपको जब परफॉर्मेंस की ज़रूरत हो तो भाई भागती भी बढ़िया है, तो दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन आपको अच्छा मिल जाता है इस बाइक में। परफॉर्मेंस मिल जाती है टाइम पे एंड आपको माइलेज मिल जाती है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट बन जाता है। उसके अलावा आप लोगों को पता है बजाज की बाइक है, स्पेयर पार्ट्स भी बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको, बाहर भी मिल जाएंगे एंड कंपनी में जाओगे वहाँ से भी लोगे तो भी इतना एक्सपेंसिव इसके स्पेयर पार्ट्स नहीं है। ठीक है, तो भाई ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अगर आप लोग इसको साथ में खड़ा करते हो ना, जैसे अपाची वगैरह के साथ में खड़ा करते हो, तो भाई कोई बता नहीं सकता फ्रंट से तो कि ये 125 या 200 NS है। तो ये लुक्स, वही लुक्स वाली बात हो गई, तो काफ़ी अच्छे लुक्स आप लोगों को मिल जाते हैं। तो ये सारे तो हो गए इसके पॉजिटिव पॉइंट्स, जो जो अच्छाइयाँ थी इस बाइक के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं भाई नेगेटिव पॉइंट्स। नेगेटिव पॉइंट्स भी देखो, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अच्छी बातें हैं इसके अंदर तो बुरी बातें भी ऑब्वियसली होंगी। सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सो भाई सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है भाई इसकी परफॉर्मेंस। देखो हायर आरपीएम पे तो अच्छा पुल करती है, मिड रेंज भी अच्छी है इसकी, लेकिन जो 4,000 आरपीएम तक का जो गैप है ना इसका, मतलब 1,000 से 4,000 आरपीएम जो इसकी स्टार्ट लोअर रेव रेंज है, उसमें कहीं ना कहीं यार ये लैग कर जाती है। अगर आप पिलियन के साथ बैठो ना तो आप लोगों को थोड़ा सिटी में चलाने में लगेगा कि बार बार गियर शिफ्टिंग करनी पड़ रही है। ठीक है, तो बस एक वही कमी लगती है, उसके बाद 4,000 आरपीएम के बाद तो बढ़िया पावर डिलीवर आप लोगों को कर देती है। ये हो गया इसका पहला नेगेटिव पॉइंट। सेकंड नेगेटिव पॉइंट भाई मैं वही कहूँगा, टायर बहुत पतला दे रखा है, थोड़ा सा इसका मोटा कर दो, थोड़ी सी एवरेज कम होगी, लेकिन भाई लुक्स भी मैटर करते हैं बंदे को। अगर आप इतनी अच्छी स्पोर्ट्स बाइक दे रहे हो 125 cc में, तो इसको भाई थोड़ा सा मोटा कर दो। ठीक है, थर्ड नेगेटिव पॉइंट ये मजाक दे रखा है भाई, ये जो पैडल है ना ये इसको, वैसे ये होता ब्रेक के लिए बट बजाज वालों को नहीं पता ये किस लिए होता है भाई। ये ड्रम ब्रेक ना ये किसी काम का नहीं है भाई। अब मेरे को पता है कि कंपटीशन में कोई ऐसी बाइक नहीं है जिसमें पीछे डिस्क आ रहा हो 125 cc में, लेकिन उनके जो ड्रम ब्रेक है वो काम करते हैं, ये काम नहीं करता। जब तक आप फ्रंट ब्रेक नहीं दबाओगे आपकी बाइक को घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला कि पिछला ब्रेक दबा हुआ है या नहीं दबा हुआ। 100 में से सिर्फ 2% काम करते हैं रियर ब्रेक, ठीक है, ये मान लो बस इसका यही काम है। ज़्यादा हार्ड प्रेस करोगे तो सिंक ब्रेकिंग सिस्टम है, अगला वाला ब्रेक अपने आप काम करने लग जाता है। देखो अभी तो कैसा प्ले इसका, ठीक है, ये मैंने पिछला ब्रेक दबा दिया, ये देखो ये अगला वाला इतना गैप आ गया इसमें। तो जैसे स्कूटियों में नहीं होता, पिछला ब्रेक मारो तो अपना अगला अपने आप लग जाता है, तो वही सिस्टम है सिंक ब्रेकिंग सिस्टम। खैर ठीक है, काम अच्छे से करता है हालांकि सिंक ब्रेकिंग सिस्टम, बट थर्ड नेगेटिव पॉइंट भाई ये ब्रेक सुधार दो इसको यार, कुछ तो कर दो। चौथा नेगेटिव पॉइंट भाई इस बाइक में ABS नहीं है, 125 cc में ABS नहीं है, मैं जानता हूँ किसी कॉम्पिटिशन में नहीं है, बट अगर बजाज वाले प्लेटिना 110 में ABS दे सकते हैं ना भाई, तो इसमें तो देना बनता ही है यार। क्या कर रहे हैं बजाज वाले, पता नहीं किस नशे में ये लोग बाइक बना रहे हैं, किस नशे में ये लोग काम कर रहे हैं। प्लेटिना 110 में इन्होंने ABS डाल दिया फ्रंट चैनल, सिंगल चैनल ही दे दो कम से कम इसमें, इसलिए तो परफॉर्मेंस बाइक आपकी 125 cc की, इसने कौन सा गलत काम कर रहे हैं तो इसमें ABS नहीं दे रहे। अभी तक तो आया नहीं प्लेटिना 110 में, आया भाई 2 महीने करीब हो चुका है ABS आया हुआ, इसमें अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अब देखो जो अगर अब आ भी जाता है 1-2 महीने में तो अच्छी बात है, अब नहीं आता तो भाई इस बीच के 2-3 महीने के गैप में जो बंदों ने बाइक ली है ये वाली, वो तो पिल गए ना, जैसे मैं पिल गया, मेरे को नहीं मिला। अब अगर फ्यूचर में आ जाएगा तो अच्छी बात है, और मैं तो कहूँगा आना चाहिए जिस तरह इस बाइक की परफॉर्मेंस है 125 cc में। जो नए यार यंग राइडर्स होते हैं जिनकी पहली बाइक होने वाली है, उनको ज़रूरत पड़ेगी ABS की, इस बाइक की है वैसी परफॉर्मेंस। ठीक है, तो फ्रंट चैनल या सिंगल चैनल ABS भी नहीं है, कम से कम होता तो बढ़िया रहता,
तो वो इसका फोर्थ नेगेटिव पॉइंट हो गया। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट की बात करूँ तो बाइक का वेट, यार 140 किलो के अराउंड ये बाइक है, मतलब इतनी हैवी बाइक। मेरे पे R15 वर्जन 3 भी है मेरी, वो भी 135 kg के अराउंड है, ठीक है, मतलब वो इससे हल्की है। तो यार 125 cc की बाइक इतनी भारी थोड़ा ना परफॉर्मेंस डाउन कर देती है इसकी। हालांकि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ अगर आप लोग बाइक लेने वाले हो, थोड़ा अगर आपका वेट कम है तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। हालांकि अगर आप जो आपको आदत पड़ जाएगी तो मज़ा आएगा, क्योंकि हैवी वेट की वजह से ये स्टेबल रहती है हाई स्पीड में। तो बस यही है, थोड़ा सा ओवर वेट ज़्यादा हो गई, थोड़ा सा वेट कम होता 5-7 किलो तो और अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों को मिल जाती। अब एक मैं आप लोगों को ऐसा नेगेटिव पॉइंट बताने वाला हूँ जो कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा, और जो ओनर है वही बता सकता है, ठीक है। इसके टैंक पैड देख रहे हो आप, ये ग्रिप तो बहुत अच्छी करता है यहाँ से, लेकिन इसके एक ड्रॉबैक है, ये भाई रबरी फील है, ठीक है, क्योंकि रबर का ही है। जब आप बैठते हो ना, जब आप ब्रेक मारते हो तो आप लोग ऑब्वियसली इस पर टच तो हो गई, ये भाई घिस जाता है। एंड आपका जो जिप एरिया है आपकी जीन्स का, अगर आपने लाइट शेड की जीन्स पहनी हुई जैसे मैंने पहनी हुई है, तो भाई जिप एरिया पर यहाँ पर आपका ब्लैक ब्लैक हो जाता है, मतलब आगे से काला काला हो जाता है, जो कि बहुत ऑकवर्ड लगता है यार अगर आपने लाइट कलर की जीन्स पहनी हुई है ना, एंड आगे से जिप एरिया से आपका जो एरिया है जिप लाइन की तरफ से वहाँ से ये काला काला कर देता है, तो बहुत ऑकवर्ड सा लगता है। डार्क शेड की जीन्स है, डेनिम पहनी हुई है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनोखा भाई मेरे को नेगेटिव पॉइंट लगा, या तो इसको प्लास्टिक का कर देते, या तो हो सकता है ये जब पुराना हो जाएगा तो अपना आप रंग छोड़ना कम कर देगा, ये रंग छोड़ता है बेसिकली, इसकी दिक्कत ये है। एक ये बहुत अजीब सा मैं नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ आप लोगों को, कोई नहीं बताएगा भाई पूरे यूट्यूब में, ठीक है, ऐसा नेगेटिव पॉइंट जो ये मैंने बताया आप लोगों को। तो खैर ये थे सारे नेगेटिव पॉइंट एंड पॉजिटिव पॉइंट्स जो मेरी इस पल्सर NS125 के। अब आप लोग कहोगे पॉजिटिव से ज़्यादा तो मैंने नेगेटिव बता दिए, अब भाई जो बात है वो बात है, अब मेरे को लेनी थी मैंने ले ली। अगर आपको अभी भी ऐसी बात नहीं है कि लेने लायक नहीं है बाइक, बहुत बढ़िया बाइक है यार, मेरे को तो बहुत पसंद है अपनी NS125, मस्त मक्खन चलती है, कोई दिक्कत नहीं आती। हालांकि हाँ रेडर मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं से थोड़ी ज़्यादा एडवांस है, उसके जो मीटर कंसोल है वो काफ़ी एडवांस है, अब तो TFT डिस्प्ले भी आ चुका है उसमें। बट TVS अगर ये वीडियो को देख रहा है तो भाई एक चीज़ बताऊँगा, उस चीज़ को फ़ायदा तब है जब वो लोगों को मिल रही हो। मैं रेडर जब लेने गया था तो मैंने TFT डिस्प्ले वाली पूछी थी, उन्होंने कहा था कि सर 3 से 4 महीने की वेटिंग आप लोगों को आपको मिलने वाली है, एंड उसमें मैं 5,000 रुपये प्रीमियम भी लूँगा। अब एक बात बताओ भाई, मैं बाइक ले रहा हूँ या गाड़ी ले रहा हूँ, यार 3-4 महीने की वेटिंग है एक बाइक के ऊपर, क्या मजाक चल रहा है यहाँ पे। फिर मैंने बोला भाई जो सिंपल मीटर वाली है वही दे दो, तो उस पर भी वो कह रहा था कि भाई मैं 5,000 रुपये एक्स्ट्रा लूँगा एज अ प्रीमियम। और ये एक शोरूम का नहीं, 3-4 शोरूम में पता करता, सबका यही था। तो मूड ख़राब करने वाला एक्सपीरियंस रहता है TVS के साथ में, इसलिए मैं बजाज के शोरूम में गया, सीधा वहाँ पर बाइक अवेलेबल थी, एक बारी में जाकर उठा के ले आया। सो गाइज ये थी मेरी वीडियो, मेरी पल्सर NS125 कुछ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स के, एंड मेरा ओनरशिप रिव्यू, एक मंथ का ओनरशिप रिव्यू मान लो या 1000 किलोमीटर्स का, जो जो मेरे को कमियां लगी ना अच्छाई लगी मैंने बता दी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड आप अगर आपका कोई फ्रेंड या आप लेना चाह रहे हैं पल्सर NS125 तो उनके साथ वीडियो शेयर कर देना, अगर कोई लेना चाह रहा है तो उनकी हेल्प हो जाएगी और मेन थोड़ी मेरी वीडियो भी चल जाएगी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।